हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बी एम लॉ क्लास में। सॉरी, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो हम सेक्शन 13 पढ़ रहे थे वो है जीएसटी का। भाई जीएसटी का अभी हम अभी तक जो हमने पढ़ा वो था हमारा सेक्शन 12। सेक्शन 12 हम जीएसटी का ये था कि जब भी कोई सर्विस इन इंडिया कोई सी को भी सप्लाई करा जाता है, जब हमारा सेक्शन 13 अप्लाई होता है। अब बात करेंगे सेक्शन 13, कभी भी कोई सर्विस जो आउटसाइड इंडिया, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज आउटसाइड इंडिया, तब हमारा सेक्शन 13 जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करता है। स्टार्ट करेंगे आज हम ये सेक्शन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सेक्शन है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, जो है जनरल सिनेरियो। जनरल सिनेरियो का मतलब कि जनरल प्रिंसिपल है, ये जनरल रूल है। अगर कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता तो हम जनरल सिनेरियो ही अप्लाई करेंगे। वेयर द सिचुएशन डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द केसेस स्पेल्ड इन द सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। अगर अगर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 तक कोई भी सिचुएशन अगर उनमें नहीं आता है, उन रूलों में नहीं, उन इन सेक्शनों में नहीं आता है, तो हम उसका जनरल सेनेरियो लेंगे। और जनरल सेनेरियो में क्या होगा, जो सर्विस रिसेप्ट कर रहा है वही हमारी क्या होगी, लोकेशन ऑफ रिसेप्ट होगी। इसका मतलब लोकेशन ऑफ रिसेप्ट होगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसेप्ट होगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। ये है जनरल सिनेरियो। अगर मान ली जाए कि Place of supply shall not be location of, however, place of supply shall be location of supplier if location of recipient is not available. अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन हो जहां पे लोकेशन ऑफ रिसिपेंट नहीं दिया हुआ हो, वहां पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई जो लेंगे वो लोकेशन ऑफ सप्लायर का लेंगे। तो ये हमारा जनरल सिनेरियो कि अगर जो गुड्स रिसीव कर रहा है अगर उसका लोकेशन दिया हुआ है तो उसका लोकेशन ऑफ रिसिपेंट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर बाय चांस कोई सिचुएशन ऐसी हो जहां पे लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ना दिया हो तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। ये था हमारे सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। वेयर सर्विस इज इन रिलेशन टू गुड्स रिक्वायर टू मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसिपेंट ऑफ सर्विस टू द सप्लायर ऑफ सर्विस or to a person acting on a behalf of the supplier of service in order to provide the service. Provide that where the service are provided from a remote location by way of electronic means, the place of supply sell the location where the goods are situated, supply of service. Simple सी बात कहेगी जो इसमें कहा गया है कि simple मान ली जाए A है, B है, A है, B है। अब ये जो B है ये हमारे क्या है, supplier है, और ये हमारे क्या है, रिसिपेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, सर्विस इन रिलेशन टू गुड्स रिक्वायर टू मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसिपेंट ऑफ सर्विस टू द सप्लायर। अब यहाँ पे ए जो हमारे क्या है, ये रिसिपेंट। अब इनका क्या हो गया, एक मशीन लिए, मान लीजिए टीवी है इनकी, ठीक है, टीवी है। अब ये टीवी, ये जो टीवी है ये बी के पास लेके गए रिपेयर के लिए। तो बी ने जहां उसे रिपेयर करा वही हमारी क्या कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, तो हमारी जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। इन केस ऑफ अगर गुड्स कोई रिक्वायर्ड हो, उस गुड्स को कोई रिक्वायर्ड हो सर्विस, वो हमारी लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाएगी। नाउ दूसरा प्रोविजन दे रखा है, प्रोवाइड दैट वेयर द सच सर्विस आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन। रिमोट लोकेशन मतलब कि जो दूर है, कोई हिस्सा हमारे जैसे ये सिटी है, ठीक है, सिटी से कुछ चीजें दूर है, मान ले दूसरे सिटी में, दूसरे सिटी या दूसरे विलेज में। तो रिमोट लोकेशन मतलब किसी दूर हिस्से में
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मींस से सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल, मान लीजिए आप अगर डिश टीवी होगा आपके घर में, डिश टीवी होगा या वाईफाई होगा, डिश टीवी या वाई लेते हैं वाईफाई की प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है वाईफाई में, आपके प्रॉब्लम आ जाता है वाईफाई में, आपके प्रॉब्लम हो जाता है, तो वाईफाई में प्रॉब्लम आने के लिए आप क्या करेंगे, इसके इनके ये जो वाईफाई लोग आके गए उन्हें कॉल करेंगे, उन्हें कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, इसे सही कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक सही। तो जहां पे वाईफाई होगी, जहां पे वाईफाई होगा वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ प्रोवाइड फर्दर, नथिंग कंटेन इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई इन केस ऑफ सर्विस सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड व्हिच आर टेंपरेरली इंपोर्टेड इंडिया फॉर द रिपेयर और फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस एंड are exported after such repair or treatment or process without being put to any use in India. Simple, other than that which is required for such repair or treatment process. Simple कही गई कि मान लिए जाए कि क्या A है B है, अब A जो है उनकी एक मशीन खराब हो गई, ठीक है, ये USA में रहते हैं, इनकी मशीन खराब हो गई, ये क्या करें इंडिया में लेके आए, इंडिया में लेके आए रिपेयर के लिए, इंडिया में रिपेयर के लिए इस मशीन को लेके आए बी के पास, बी ने इसे रिपेयर करा, बी ने रिपेयर करने के बाद इसे वापस भेज दिया। तो इस सिचुएशन में ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, इस सिचुएशन में हमारा ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, या फिर ये दोनों सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, जहां लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस था और जहां ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स था। सिंपल, नाउ अब बात तक करते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 की, सर्विस इन रिलेशन टू इमोवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मोबाइल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस मिला, जैसे इंक्लूडिंग अ सर्विस सप्लाई इन दिस रिगार्ड बाय द एक्सपोर्ट an estate agent supply accommodation by hotel in guest house club composite by whatever name called grant of right to use immovable property, क्या कर रहे right दिया जा रहा है उस immovable property use करने का, service for carrying out or coordination of construction work including that of architecture or interior decorator location of such property, और ऐसी चीजें कोई भी construction work including आर्किटेक्चर इंटीरियर डेकोरेटेड हो रही है, तो जहां पे वो प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे, नाउ एडमिशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर आर्टिस्ट स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट और सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस फेयर एग्जिबिशन सिमिलर इवेंट एंड ऑफ सर्विस एंसिलरी टू सच एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन location where the actually is held, event is actually held, इसका मतलब कोई भी event हो रहा है, मान ले जाए कि वो event हमारे दिल्ली में हो रहा, तो जहां पे वो event हो रहा है वही हमारे place of supply कहलाएगी, now where service covered under section 13 subsection 3 section 13 subsection 4 subsection 5 provide at multiple location and one or more location fall in taxable territory location in the taxable territory, iska matlab koi bhi service jaise hamara tha ki actual performance tha, theek hai, actual performance padha humne, usme se hum admission ye raha hamara admission of organization or relation to immovable property, अगर ये क्या हो जाए, ये तीनों scenario जो हमारी दे रखे हैं subsection में, अगर वो multiple location में हो जाए या फिर and or one or more location हो जाए in a taxable territory, जो taxable territory होगी वही हमारी क्या कहलाएगी location in taxable territory, जहाँ पे वो हो रहा होगा multiple, वही हमारी place of supply कहलाएगी। Now multi location involving more than one state or union territory proportional to value, सिंपल सी बात कही गई, अगर दो एक या एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी या स्टेट हो तो जो भी सर्विस होगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अगर
फॉर सर्विस सेपरेटली कलेक्ट और डिटरमाइन इन अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन टू इन दिस रिगार्ड इन स्टेट और यूनिटेटी इन और इन द एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ऑन द सच अदर बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सिंपल से बात कही गई, अगर कोई भी सर्विस एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो जो उसकी वैल्यू है वो प्रोपोर्शनेट बांट दी जाएगी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट। अगर बात मान ली जाए कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ऐसी कोई चीज ही नहीं है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा, अकॉर्डिंग टू रूल उस जो वैल्यू है उसे डिवाइड करी जाएगी। नाउ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू अकाउंट होल्डर इन intermediary service and hiring of means of transport including yacht but excluding aircraft or vessel up to period of 1 month वहाँ पे location of supplier जो supply कर रहा है service जो हमारी service को supply कर रहा है in case of banking financial institution non banking financial institution account holder तो हमारा क्या कहलाएगा location of supplier हमारा place of supply कहलाएगा। now गुड्स ट्रांसपोर्ट अदर देन मेल और कुरियर तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इसका मतलब जहां पे गुड्स पहुंचानी है जहां पे हमें गुड्स पहुंचानी है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस लोकेशन वेयर द पैसेंजर इमार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूस जर्नी इसका मतलब जहां पे पैसेंजर को जाना है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। सर्विस ऑन अ बोर्ड अ कन्वेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन इंक्लूडिंग अ सर्विस इंटेंट टू होली और सब्सटेंशियली कंज्यूम व्हाइल ऑन बोर्ड फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। सिंपल सी बात कही गई कि कोई भी सर्विस अगर बोर्ड पे दी जा रही है एज कन्वेंस बट कन्वेंस दी जा रही है तो जब वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑपरेशन के टाइम इंक्लूडिंग सर्विस इंटेंट टू होली और सब्सटेंशियली कंज्यूम While on boards, तो जहां पे सबसे पहले डिपार्चर हुआ है फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर जर्नी वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। Now, on the line, online information database access or retrieval service shall be the location of recipient of service. कोई भी online service provide करी जा रही है किसी को online service provide करी जा रही है डाटा दिया जा रहा है तो जहां पे जिस person को दी जा रही है जो receive कर रहा है उस service को वही हमारी क्या कहलाएगी location of supply कहलाएगी। Now, section 13 subsection 3rd in order to prevent double taxation or non taxation of supply of service or for informed application of rule the government shall have power to notify any description of service or circumstance in which the place of supply shall be place of effective use enjoyment of service। सिंपल सी बात कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 कभी भी कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकती है रिगार्डिंग सर्विस सर्कमटेंस इन अ प्लेस ऑफ सप्लाई और किसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे किसे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे इन सब चीजों के बारे में बता सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी बाय द नोटिफिकेशन। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर जैसे कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है कोई भी बायोलॉजिकल टेक्निक यूज करी जाती है कोई भी मेडिसिन कोई भी एंटीडोट बनाया जाता है उसे हम फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयां मेडिसिन वगैरह वो हमारी क्या कहलाएगी फार्मास्यूटिकल। अगर उसी के टाइम रिसर्च और डेवलपमेंट जो करी जा रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है तो उस टाइम में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा इसकी बात करेंगे। तो हमारा यही कहा गया इसमें जितने भी सीरियल 1 से 2 तक दिए हुए आप पढ़ लेंगे इसमें कोई भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है जितने भी 1 से 2 हमारे दिए हुए हैं 1 से 2 दिए हुए जितने भी when the research and development service related to pharmaceutical as specified in column 2 and 3 from serial 1 to 10 in table B by the person located in taxable territory to a person located in non-taxable territory the place of supply shall be the location of recipient of service subject to such condition fulfilled। इन्होंने कहा कि अगर ये भी जितने भी 1 से 2 आप पढ़ लेंगे कोई confusion नहीं है इसमें 1 से 2 में जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करी गई है अगर किसी टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को कोई भी फार्मास्यूटिकल सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है रिसर्च और डेवलपमेंट से तो जो रिसिपेंट है जो हमारा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जो रिसिपेंट है मान लीजिए लोकेशन ऑफ रिसिपेंट
ऑफ सर्विस हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। मगर उसके लिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो सर्विस हो रही है हमारी, उसके लिए कुछ कंडीशन होंगे तभी हमारा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अब वो क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहले सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम टैक्सेबल टेरिटरी आर प्रोवाइडेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड सर्विस रिसिपिएंट लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। इन्होंने कहा कि जो भी सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी, जो भी सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी एज पर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करी जाएगी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करी जाएगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों के बीच नॉन टैक्सेबल, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस रिसिपिएंट है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पहला ये हो गया सिंपल। दूसरा, सर सप्लाई ऑफ सर्विस फुलफिल द ऑल कंडीशन इन अ डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एक्सेप्ट सब क्लोज थर्ड प्रोवाइडेड एट क्लोज सिक्स ऑफ द सेक्शन टू ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। और जो भी हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, वो डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट, इसका मतलब आउटसाइड दिया जाना चाहिए। हमने जो सेक्शन वो पढ़ रखा है उसमें सारी की सारी दिया होना चाहिए कि वो सारी की सारी जो भी टर्म कंडीशन है वो फुलफिल करनी चाहिए, तभी हमारा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हमारा जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा इन केस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। नाउ ये दस कोई ज्यादा नहीं है, कुछ होगा कि कुछ बायोलॉजिकल वर्ड होंगे वो आप आराम से अपने आप ही जो आपने 10th 11th में पढ़ी होगी वो आप बहुत प्यार से आपको समझ आ जाएगा। नाउ B2B, इसका मतलब बिजनेस टू बिजनेस, अगर मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट दी जा रही है, एयरक्राफ्ट इंजन दी जा रही है, कंपोनेंट्स पार्ट्स दिए जा रहे हैं, तो उस टाइम द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अगर कोई भी मान ली जाए ये बी लिमिटेड है, ठीक है, ये सी लिमिटेड है, बी लिमिटेड जो है इनको पार्ट्स बेच रहे हैं, या फिर पार्ट्स की जो मेंटेनेंस रिपेयर्स, कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट रिपेयर कर रहे हैं, वो सी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सी जहां सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, वही हमारी क्या कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी, नाउ आगे चलते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द डिटरमाइंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन सर्टन केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई है। सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स, कोई भी पोर्ट्स हो गया उनके द्वारा अगर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है तो हमारा जो होगा, हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसकी बात हम करेंगे। सो इट इज हेयरबाय क्लैरिफाइड दैट सच सर्विस आर एंसिलरी टू और रिगार्डिंग टू कार्गो हैंडलिंग सर्विस and are not related to immovable property, that according the place of supply of the service will be determined as per the provision contained in subsection 2 of section or subsection 2 of section 13 of IGST as the case may be depending on the term or contract between the supplier and recipient of service। kya bola isme, simple si baat kahi gayi ki jo ports dwara jaise वेयर हाउस की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है पोर्ट द्वारा, ठीक है, वेयर हाउस की सर्विस जो प्रोवाइड करी जा रही है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एंसिलरी है या फिर कार्गो हैंडलिंग सर्विस है। एंसिलरी मतलब जो पोर्ट्स की सर्विस में मदद कर रहा है, ये सारी वैसी सर्विस है। तो इस टाइम में हम ये नहीं देखेंगे, हम सिंपल सा जनरल रूल लगाएंगे जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में बोलता है और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में बोलता है। जनरल रूल क्या था हमारा कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर मान लीजिए कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं दी हुई है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ये रहा सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोर्ट। अगर सर्विस रेंडर ऑन द गुड्स टेम्पररी इंपोर्टेड इन इंडिया, सिंपल सी बात कहेगी, हमने पढ़ा था, ऊपर भी पढ़ा था कि अगर ए है बी है, ए के पास मशीन है, बी को, ए के पास जो मशीन है ये उन्होंने क्या करा, बी को प्रोवाइड करा कि बी भाई साहब आप क्या करिए मेरे मशीन को रिपेयर कर दीजिए। ये यूएसए में रहते हैं, ये इंडिया में रहते हैं, ठीक है। ए ने क्या करा, ये जो मशीन है उन्होंने बी को दिया, बी ने वो मशीन को
रिपेयर करा, रिपेयर करने के बाद एको वापस भेज दिया, एको वापस भेज दिया। तो इस टाइम में भी क्या होगा, जो सर्विस जिसे प्रोवाइड करी जा रही है, सर्विस जिसे प्रोवाइड कर जा रहे, जो सर्विस रिसिप्ट कर रहा है, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी, जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा था। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो जो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर या फिर डिजाइन करती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है या फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर से डेवलपमेंट करती है, उसे हमें डेवलपमेंट करती है, तो उस टाइम में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस टाइम में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सो नंबर ऑफ कंपनी दैट आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक फॉर कस्टमर लोकेटेड ओवरसी, जो बाहर रहता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी मान ले जाए ए है बी है, ये क्या करते हैं, बी को बोलते हैं कि भाई साहब आप मेरे लिए कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दीजिए, कोई भी सर्किट बना दीजिए इलेक्ट्रॉनिक, कि वो जो बनाएंगे बी बनाएंगे उसे क्या करेंगे, वो ए के यहाँ पे बना रहे हैं जो ओवरसी रहते हैं, इसका मतलब आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो बी के द्वारा जो भी सर्विस ए के यहाँ पे दी गई है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, द क्लाइंट और कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड इंडियन डेवलपमेंट डिजाइन कंपनी विद अ डिजाइन रिक्वायरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द दिस इंडियन कंपनी डिजिटली इंटीग्रेट वेरियस आईपी ब्लॉक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड सिलिकॉन और हार्डवेयर डिजाइन, दिस डिजाइन आई कम्युनिकेट अबाउट आइदर टू द कस्टमर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर। इन सब में क्या है, सिंपल सी बात कहेगी, कस्टमाइज हार्डवेयर ऑन द सम केसेस प्रोटोटाइप हार्डवेयर देन प्रोवाइड बैक टू इंडिया डेवलपमेंट एंड डिजाइन कंपनी टेस्ट एंड वैलिडेट सॉफ्टवेयर डिजाइन दैट हैज बीन डेवलप्ड टू इंश्योर दैट इज एरर फ्री। इन टाइम में यही कहा गया भैया, सिंपल सी जनरल रूल कही गई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइड करी जा रही रिलेटेड टू, तो उसमें यही कहा गया कि जो सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है जिस पर्सन को, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। अब इसमें यह भी कहा गया कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर हम कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, उस टाइम में हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे उसे, उसमें यही कहा गया, ज्यादा कुछ नहीं है ना। अब बात करता हूं मैं टाइम ऑफ सप्लाई की। हमने अभी क्या कहा, हमने ये जाना कि IGST लगेगा, UTGST लगेगा, ठीक है, फिर यह CGST लगेगा प्लस SGST लगेगा, हमने ये पता करा अभी, ठीक है, मतलब कौन से स्टेट में कहां ये इंटरग्रेटेड गुड इंट्रा स्टेट है या फिर इंटरस्टेट है, हमने ये पता करा। अब हम जब ये पता कर लेंगे तो कब हम टाइम ऑफ सप्लाई हमें कब स्टार्ट, कब हमें जो टैक्स है वो लगाना है, हमें ये पता करना है कब हमें टैक्स लगाना है, हमें ये पता करना है। तो अभी हमें पता चल गया IGST, UTGST या फिर CGST या फिर SGST, ये दोनों लगाएंगे, हमें अब पता चल गया इंटरस्टेट है या फिर इंटरस्टेट है, अब हमें पता करना है कि कब हमारा टैक्स लगेगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज अ टाइम एसेंस ऑफ लेवी, मतलब टैक्स लगाने का एक समय है। टैक्स इज इम्पोज व्हेन द सप्लाई इज मेड, टैक्स इम्पोज कर दी जाती है जब सप्लाई बनता है, जब सप्लाई के लिए सप्लाई करी जाती है। Hence, it is important to determine the time of supply. Once the time is determined, levy is fixed and discharged on the due date basis. Now, simple सी बात करेंगे, time of supply जो है हमारी, time of supply है, forward charge mechanism, reverse charge mechanism और voucher and all other states में निकालेंगे। अब time of supply जो है वो according to section, according to section 12 of CGST Act, किसकी बात कर रहे हैं, CGST Act की बात कर रहे हैं 2017, time of supply हम calculate करेंगे, पता करेंगे, एक तरफ से पता करेंगे। So according to section 12 subsection
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पता होगा कि हम जब पढ़ रहे थे ऊपर, तो क्या होगा, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर गुड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, वही क्या करता है, इनवॉइस इशू करते हैं, इनवॉइस इशू करता है, और जिसे कंज्यूमर जो है उसे जीएसटी लेता है, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है। सिंपल, आपको पता था। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, द प्रोवाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कैन बी डिसाइडेड एज अंडर द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग dead below, but this may be read with the conjunction with the other key point mentioned in the below. Simple. उन्होंने कहा कि जो हमारा time of supply होगा, decided as under the time of supply would be earliest of the following date below. अब date कौन से? Date of issue of invoice or due date for the issue of invoice. Due date is meant last date of issue of invoice, ठीक है, last date of due date को क्या कहते हैं, last date of issue of invoice या फिर date of issue of invoice, इन दोनों में से जो सबसे पहले date होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, time of supply कहलाएगी, और उस time में हम जो tax है वो लगा देंगे, Now अब हमें ये बताया गया, तो हम अब क्या कहेंगे, ड्यू डेट कौन से होते हैं, लास्ट डेट हमारे कौन से होते हैं कि हम उससे पहले, या उसी दिन हम इनवॉइस इशू कर दें। सो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कैन बी डिस्पेयर्ड फ्रॉम द सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट व्हिच मेंशन दैट इनवॉइस मस्ट बी इशू। इनवॉइस जो है वो इशू हो जाना चाहिए, कंफर्म है कि इशू हो जाना चाहिए, Where the supply involved movements of goods on or before the time of removal of goods. Simple सी बात कहेंगे, अगर कोई भी goods जहां movements हो रहा है, जिस goods का movements हो रहा है, तो उस दिन जिस दिन movements हो रहा है, या फिर उससे पहले हमें invoice issue कर देना according to section 13 subsection 1, या फिर supply doesn't Involve the movements of goods. अगर कोई भी movements नहीं हो रहा उस goods का, तो on or before the delivery of goods, जब delivery कर रहे हैं, उसी time या फिर उससे पहले हमारा invoice issue हो जाना चाहिए, ठीक है? दूसरा हो गया, In case of continuous supply of service, इसका मतलब आज करा थोड़ा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन supply कर रहे, ठीक है? तो before या एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट या फिर रिसीट ऑफ द पीरियोडिकल स्टेटमेंट। सिंपल सी बात कही गई, जैसे ए है, अगर मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है, ए जो है हमारे, उन्होंने हर एक थोड़े थोड़े करके गुड्स को भेजना है, छोटे छोटे हिस्सों में भेजना है, तो पहले दिन भेजा, ठीक है, पहले दिन ए ने इस गुड्स को भेजा, तो उन्होंने क्या करा, इशू कर दिया एक स्टेटमेंट, या फिर रिसीप्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर, इस पेमेंट, ठीक है, या फिर जिस दिन उन्होंने इशू करा, ये ए जो है, या फिर जिस दिन इशू कर देते हैं स्टेटमेंट, और या फिर जिस दिन बी जो है वो पेमेंट करते हैं और ए रिसीप्ट कर लेते हैं उस पेमेंट को, एक रिसेट कर ले, इन दोनों में से जो सबसे पहले डेट होगी वही हमारी क्या कहलाएगी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। देन गुड सप्लाई ऑन अप्रूवल फॉर सेल या फिर रिटर्न बेसिस, जो गुड सप्लाई करी जा रही है फॉर अप्रूवल के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम हमारी क्या होगी ड्यू डेट, वो बात करते हैं। सो बिफोर या फिर टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन अप्रूवल मिल रहा है, जिस दिन सप्लाई कर रहे हैं उस दिन या उससे पहले, या फिर सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस दिन डेट
जिस दिन गुड्स रिमूवल करा जा रहा है उसके सिक्स मंथ से इन दोनों में से जो सबसे पहले डेट आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। नाउ डेट ऑफ रिसिपेंट ये हमें ध्यान नहीं देना है, ये हटा दिया गया है। इन रिगार्डिंग टू अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 16/2020 सिटी डेट 15/11/2017 ये हट गया हमारे, जब भी हम गुड्स की टाइम में सप्लाई करेंगे ये चीज हम गौर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 द एक्ट प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व द इनवॉइस शैल बी इशू और बिफोर एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और एट द केस में बी ईच पेमेंट इज इशूड। अब कोई भी सक्सेसिव स्टेटमेंट है या कोई भी कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है तो वे सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व हो रहा है तो इनवॉइस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 शैल बी इशू बिफोर एट द टाइम ऑफ सच स्टेटमेंट या फिर पेमेंट। सिंपल। फर्दर इन हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज एक्सेस पेमेंट रिसीव्ड अप टू 1000 द सप्लायर कैन चूज टू टेक डेट ऑफ इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सच एक्सेस पेमेंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड ऑफ सच एक्सेस वैल्यू। सिंपल, इन्होंने क्या सिंपल सी बात कहेगी, ए बी ए को जो पेमेंट करनी थी ए ने क्या करी, उन्हें पेमेंट करनी थी 1000 रुपीज मगर उन्होंने क्या कर दी 2000 रुपीज। तो जिस दिन ये एक्सेस पेमेंट है हमारा, जो एक्सेस पेमेंट है हमारी, उस दिन ये बी क्या करेंगे, वापस करेंगे इसे 1000 रुपए के जो एक्स्ट्रा दिए वापस करेंगे। तो जिस दिन ये वापस कर रहे हैं तो वो भी हमारी इनवॉइस जिस दिन वापस करें वो भी हमारी क्या कहलाएगी, इनवॉइस डेट कहला सकती है अगर वो चाहे तो, चूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एग्जांपल पढ़ते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत गौर से देखेंगे, पहले बता दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो ईबीसी लिमिटेड सप्लाई गुड्स टू XYZ under a contract for the goods to be delivered to factory XYZ. The goods was removed from the factory ABCD on 9 September 2021 and goods were delivered to the factory XYZ on the 15 September. The invoice was issued on the 18 September and the payment was credited to ABC account on the 20 October. Although the entry in the book was made on the 19th September 2000, check was received. Simple सी बात कही कि जब मैंने ऊपर पढ़ा था तो मैंने ये बताया था कि हम पेमेंट अकॉर्डिंग जब हम सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे होंगे उस टाइम हम जब कैलकुलेट करोगे टाइम ऑफ सप्लाई तो हम गुड्स के बाद जब हम कर रहे होंगे तब हम पेमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज ध्यान नहीं देंगे। तो हमारा ये जो डेट है 20 अक्टूबर 19 सितंबर यह हट गया। अब प्लीज एडवाइज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो क्या हमने पढ़ा था अभी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है यही पढ़ी थी हमने, और ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, इन दोनों में से जो सबसे पहले होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इनवॉइस इशू हो रहा है वो कब हो रहा है 18 सितंबर, इसका मतलब 18 सितंबर। फिर ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस 9 सितंबर, क्या इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट्स हो रहा है गुड्स का, डिलीवर करना है XYZ सप्लाई एबीसी लिमिटेड सप्लाई गुड्स XYZ, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इन्वॉल्वमेंट होने टाइम हमने क्या पढ़ा था, ऑन और बिफोर द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। तो ऑन और बिफोर डिलीवर टू XYZ द रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री रिमूवल। सिंपल, तो ये इस दिन या इससे पहले, तो 9 सितंबर हमारी क्या हो गई ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। ऑन और बिफोर हो जाना चाहिए फ्रॉम द रिमूवल ऑफ गुड्स, तो हमारी 9 सितंबर 2020 होगी। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा डेट आ रहा है, 9 सितंबर,
तो यही हमारी क्या हो गई, हमारा होगा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, जो सबसे पहले आए, जो सबसे पहले आएगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। सो टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स हमें रिसीव्ड हो रहा है, जिस दिन गुड्स रिसीव्ड हो रहा है, या फिर डेट ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस। फिर से बता रहा हूं, ये सी रिलेटेड टू गुड्स की पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम ये जो सी है पेमेंट से रिगार्डिंग ये हटा दिया गया है जैसे बताया, तो हम इन दोनों में ही देखेंगे। इन दोनों में से सबसे पहले जो हमारा हो रहा है, सबसे पहले जो हमारा डेट आ रहा है वो ये हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा। किस दिन? डेट ऑफ रिसीप्ट होगा, जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हो रहा है, या फिर 13 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन हमारा इनवॉइस जो इशू हो रहा है उस दिन प्लस कर देंगे उसमें 30 डे। उन दोनों में से जो सबसे पहले डेट आ रही होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। आपको एग्जांपल देखते हैं, आपको सही से समझ आएगा। नाउ इलस्ट्रेशन 7, मिस्टर ए एन एग्रीकल्चर सप्लायर रॉ कॉटन अंडर रिवर्स चार्ज टू मिस्टर बी हु मैन्युफैक्चर कॉटन शर्ट, द डेट वाइज टर्न आउट ऑफ इवेंट इज गिवन बिलो। नाउ 1 अप्रैल 2021 मिस्टर बी अप्रोच मिस्टर बी एंड प्लेस एन ऑर्डर फॉर 1 टन कॉटन। क्या करा, 1 तारीख 4 महीने 2021 को मिस्टर बी गए ए के पास, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बुक कर दिया 1 टन कॉटन, 1 टन कॉटन बुक कर दिया, ठीक है। देन 10 तारीख 5 महीना 2021 को, 10 मई 2021 को मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, गुड्स को रिसीव कर रहे। देन 15 मई 2021 को मिस्टर ए जो है इशू इनवॉइस कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट वाला हमें गौर करना नहीं है। तो अब हमें क्या था कि रिसिप्ट, जो रिसिप्ट ऑफ गुड्स है और 13 डे प्लस डेट ऑफ इनवॉइस है, ठीक है, इन दोनों में से सबसे पहले। तो अभी हमारा क्या है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स क्या है हमारी, 10 तारीख 5 महीना 2021, और 13 डे प्लस इनवॉइस हमारा जो इशू हुआ है इनवॉइस वो कब हुआ है, 15 तारीख 5 महीना 2021 को। तो सिंपल सी बात है कि इसमें हम 30 डे जोड़ेंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग द डेट और रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स हमारा क्या है, 10 तारीख 5 महीना 2021, और द पेमेंट वॉज रिकॉर्डेड इन अ बुक मिस्टर बी, ये हमें गौर नहीं करना, पेमेंट से रिलेटेड हमें गौर नहीं करना। देन लास्ट द इमीडिएट फॉलोइंग 13 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 15 डे प्लस 13 डे प्लस 1 डे, जो हमारा क्या होगा 15/6/2021। तो हमारा जो ये डेट है और ये डेट है, इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा डेट आया, 10, यही हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, यही हमारा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नाउ बात करता हूं वाउचर की, बात करते हैं वाउचर की। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 टाइम ऑफ सप्लाई विज वाउचर इज डिटरमाइंड एज अंडर वेयर द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इशू ऑफ वाउचर द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर would be constructed as a time of supply। दो चीज यहाँ पर ध्यान देनी, अगर supply जो है identifiable है, identifiable है, तो हमें जब invoice करा गया issue, जब time of issue of voucher, the date of issue of voucher was be, जब हमें जिस दिन voucher issue करा गया वही हमारी time of supply कहलाएगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, time of supply कहलाएगी, अगर supply identifiable है। अगर नॉट आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन वो हमारी रिडीम करी जा रही है वाउचर को, वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी, वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। नाउ
एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ABCD लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड है एंटर इनटू अरेंजमेंट विद हर्स पपीज, हर्स पपीज बाइंग द वाउचर, बाइंग बाइज द वाउचर, दिस वाउचर वाज इशू ऑन द 14 September 2021, द कंपनी दैट डिस्ट्रीब्यूट दिस वाउचर विद द डिनोमिनेशन 4,000 रुपीज टू ऑल इट्स एम्प्लॉय ऑन द 24th December 2020, so that can be issued this voucher for the buying those shoes, buying shoes of their choice. The employee make most of it the redeem those voucher on the new year for January. In this case, the supplies are identifiable. Simple सी बात करके identifiable. कैसे? इन्होंने कहा है कि किस चीज के लिए? Buying of shoes के लिए है. Buying of shoes के लिए. तो जो हमें आइडेंटिफिल पता चल गया कि किस दिन आइडेंटिफाई है, किस चीज के लिए है, तो हमने क्या पढ़ा था? इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन हमारा जो हमारा वाउचर है उस दिन इशू करा जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा. वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा. नाउ अब निशा बाय वाउचर फ्रॉम द शॉपर स्टॉप फॉर द 10,000 एंड गिफ्ट ऑन द तरुण ऑन द 14th February. The voucher was valid 29 February. Tarun redeemed the voucher at the nearby shopper stop we store 29 February. तो सिंपल सी बात कही गई, अगर जो निशा है उन्होंने वाउचर जो खरीदा 10,000 रुपीज का और गिफ्ट दे दिया तरुण को. तो जो वाउचर उन्होंने खरीदा, कोई इसमें स्पेसिफाइड नहीं करा गया कि किस चीज के लिए, उसमें जो ऊपर पढ़ रहे थे किसके सूच के लिए स्पेसिफाइड था. तो अगर स्पेसिफाइड नहीं है, आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो जिस दिन रिडीम हो रहा है और रिडीम कब करवा रहे हैं, तरुण रिडीम करवा रहे उस वाउचर को 29 फरवरी को, तो यही हमारी क्या होगी? टाइम ऑफ सप्लाई होगी. नाउ ऑल अदर स्टेट्स, अगर मान लिया जाए कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, इन सब में कोई भी सिनेरियो में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं होता, कोई भी सप्लाई नहीं आता, उस टाइम में कौन सा हमारा प्लेस टाइम ऑफ सप्लाई होगा? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 एज फिक्स अंडर ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ पीरियोडिक रिटर्न, जिस दिन आप पीरियोडिक रिटर्न भर रहे हैं ड्यू डेट है, वही हमारी क्या कहलाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी. या इन अदर केसेस डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आप जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 टाइम ऑफ सप्लाई टू एक्सटेंड रिलेटेड टू एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू. अगर कोई भी बात मान ली जाए कि कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, फी मिल रहा है, या फिर डिले पेमेंट में पेनल्टी मिल रही है, तो जिस दिन इंटरेस्ट मिल रहा है, फी मिल रहा है, पेनल्टी मिल रहा है, तो जिस दिन सप्लायर ये सारी चीज इनमें से कोई सी भी चीज रिसीव करता है, वही हमारी क्या कहलाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी जिस दिन. ठीक है, तो ये था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई रिलेटेड ऑफ सर्विस. नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी. सो अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आपने कुछ भी सीखा है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.